हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड प्लस उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चंस। आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे साइंस के, जो कि इंजीनियरिंग ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, जो कि ई ग्रुप का एग्ज़ाम देंगे स्टूडेंट्स उत्तराखंड पॉलिटेक्निक या उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में। उनके लिए वीडियो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं चाहे उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, यूपी प्लस उत्तराखंड दोनों में सेम सिलेबस आता है, 50% मैथमेटिक्स 50% साइंस, जिसमें आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी नहीं आती। तो आज हम इस वीडियो में साइंस के देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में लेंगे। देखिए 25 के अक्रॉस हम यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस को आज लेंगे। मॉक टेस्ट फर्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर ये वीडियो हमने बनाई है। और स्टूडेंट आप तैयार रहिए, बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए तैयारी अपने अच्छे से रखिए। और आपको देखिए हमारा चैनल ही देखिए डेली आपके लिए देखिए वीडियो लेकर आएगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो आप स्टूडेंट हमारे साथ बने रहिए और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके सामने देखिए, सबसे पहले यहाँ पर साइंस का देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, वेवलेंथ रेंज फॉर विजिबल लाइट। यानी स्टूडेंट जो वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट की, यानी परिदृश्य प्रकाश, यानी जो प्रकाश देखिए हम देख सकते हैं उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, यह आपको बतानी है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर जो सही आंसर है, ये जो आपकी यूनिट है वो एंगस्ट्रॉम में है। और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे, 10^-10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10^-10 मीटर के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो वेवलेंथ होगी विजिबल लाइट की, वो होगी 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 या 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। वैसे देखिए 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, पर यहाँ पर आंसर देखिए जो सबसे करेक्ट है वो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। अगर ये आपको आंसर जो है एंगस्ट्रॉम की जगह नैनोमीटर में दिया होता तो ये लिखा होता है स्टूडेंट 400 नैनोमीटर, नैनोमीटर में 10^-9 मीटर होते हैं, से लेकर आपके 800 नैनोमीटर तक ये तरंग धैर्य होती है देखिए किसी भी परिदृश्य प्रकाश की, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, आई होप आपका भी हो गया होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, कोयले की वह किस्म जिसमें कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है, आपको कोयले की वो किस्म बतानी है जिसमें कार्बन की सबसे अधिक मात्रा होती है। तो देखिए लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिट्यूमिनियस या पीट। तो स्टूडेंट देखिए सबसे घटिया क्वालिटी का जो देखिए कोयला होता है वो पीट होता है, लिग्नाइट होता है। और जो अच्छी क्वालिटी के देखिए जो कार्बन होते हैं वो एंथ्रेसाइट और बिट्यूमिनियस होते हैं, पर सबसे अच्छा जो होता है एंथ्रेसाइट होता है। सबसे अच्छा क्या होता है? एंथ्रेसाइट। ध्यान रखिएगा, कोयले के शुष्क आसवन के बाद क्या बचा रहता है? देखिए जब कोयले को आप ड्राई डिस्टिलेट करते हैं तो कौन सा सब्सटेंस देखिए बनता है वहाँ पर? कोल टार, कार्बोहाइड्रेट, अमोनियम कंपाउंड या कोक। तो स्टूडेंट देखिए इस तब आपका बनेगा जब आप कोयले को देखिए ड्राई डिस्टिलेट करेंगे, शुष्क आसवन विधि में कोयले को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो वहाँ पर आपका क्या बनेगा? कोक बनेगा। क्या बनेगा? कोक बनेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच कंबशन टेक प्लेस, तापमान जिस पर दहन क्रिया की जाती है उसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग टेम्परेचर बिल्कुल नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बिल्कुल नहीं, इग्निशन या क्रिटिकल। तो उसे आप कहेंगे इग्निशन टेम्परेचर, जिसे आप हिंदी में कहते हैं ज्वलन ताप स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आई होप आप ये समझ गए हैं, तो इसको क्या कहेंगे? ज्वलन ताप कहेंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, सोलर सेल का प्रयोग करते हैं, सोलर सेल का प्रयोग आप किस चीज़ में करते हैं? घड़ियों में, रेडियो में, मोटरों में या इंजन में? तो सोलर सेल आप देखिए घड़ियों में अधिकतर इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर? वॉचेस में। तो इसका आंसर ए आएगा, वॉचेस। ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? जो ऊष्मा होती है, जो हीट होती है देखिए, तो स्टूडेंट देखिए ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो आपने देखा होगा स्टूडेंट, अगर आपने देखिए मोटरसाइकिल देखी है, अगर आपने स्कूटी देखी है, तो उसमें आप देखते हैं कि देखिए पेट्रोल क्या होता है, जो पेट्रोल या डीजल होता है तो उसमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शन से देखिए हीट प्रोड्यूस होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, पेट्रोल की स्पार्किंग होती है, वहाँ पे हीट जनरेट होती है। और वो हीट किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैकेनिकल एनर्जी में। तो हीट किस में कन्वर्ट हो गई? मैकेनिकल एनर्जी में। हीट एनर्जी ऑफ फ्यूल इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो आंसर आ गया आपका ऊष्मा इंजन, हीट इंजन, ना ही मोटर। मोटर का इसमें आप देखिए इस्तेमाल नहीं होगा बिल्कुल, मोटर तो होती है इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए रॉकेटों में जो ईंधन उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? जो रॉकेट में जो ईंधन उपयोग किया जाता है वो कौन सा है, ये आपको यहाँ पर
बताना है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर जो फ्यूल यूज़ होता है रॉकेट में, वो आपका कौन सा फ्यूल यूज़ होता है स्टूडेंट? यहाँ पर प्रोपेलेंट। कौन से फ्यूल यूज़ होते हैं? हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ होते हैं, प्रोपेलेंट इन्हें आप कहते हैं स्टूडेंट। नाभिकीय अभिक्रिया के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला ईंधन, देखिए जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है यानी जो न्यूक्लियर जो आपका फ्यूल कौन सा उसमें आप यूज़ करते हैं, U-235 यानी यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, नेपच्यूनियम U-39 या थोरियम 234। तो यूरेनियम U-35 सबसे अधिक आप इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में। इसका आंसर आपने देख लिया, ये आ गया। आई होप आप लोगों का भी आ रहा होगा आंसर, आप साथ साथ चेक करते जाइए स्टूडेंट। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परमाणु में प्रोटोनों की संख्या बराबर होती है, एक परमाणु में जो प्रोटोनों की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? मास नंबर के बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर, न्यूट्रॉनों के नंबर के बराबर या नॉन ऑफ दीज? तो स्टूडेंट देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। न्यूक्लियर एनर्जी इज द रिजल्ट ऑफ, नाभिकीय ऊर्जा किसका परिणाम है स्टूडेंट? जो नाभिकीय ऊर्जा होती है किसका परिणाम है? आयतन का ऊर्जा में परिवर्तन एक रासायनिक क्रिया है, द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन होना या कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो सही उत्तर आएगा वो आएगा आपका द्रव्यमान का, किसी मास का देखिए एनर्जी में कन्वर्ट होना, कोई भी मास है आपके पास उसका देखिए एनर्जी में कन्वर्जन होना, ये ध्यान रखिएगा। तो द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन होना नाभिकीय ऊर्जा परिणाम है, ये ध्यान देना। न्यूक्लियर एनर्जी इज द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी, तो ये यहाँ पर आंसर आएगा। अगर आप यूपी और यूके के छात्र हैं तो आपके लिए ये वीडियोज़ देखिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होनी चाहिए होगी। एग्जामिनेशन में भी आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। और देखिए बुक आप अरिहंत की भी बुक ले सकते हैं, आप जो यूपी और यूके पॉलिटेक्निक की जो लोकल बुक हैं वो भी ले सकते हैं, वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और चैनल से भी आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एक द्रव्यमान रहित आवेश रहित कण जो परमाणु में है, द नेम ऑफ द मासलेस न्यूट्रल सब अटोमिक पार्टिकल इन एन एटम, क्या वो न्यूट्रॉन है, क्या प्रोटॉन है, न्यूट्रिनो है या पॉजिट्रॉन है? तो स्टूडेंट देखिए, प्रोटॉन के पास मास भी होता है और चार्ज भी होता है। न्यूट्रॉन के पास देखिए, जो न्यूट्रॉन होता है उसका मास लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है, परंतु इसके पास चार्ज नहीं होता। पॉजिट्रॉन भी देखिए एक प्रोटॉन का ही यहाँ पर सब टाइप है, तो यहाँ पर इसके पास भी चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। पर न्यूट्रिनो जो है, न्यूट्रिनो में देखिए कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रिनो में कोई भी चार्ज नहीं होता, और ये बिल्कुल ही क्या होता है, द्रव्यमान रहित भी होता है, इसका मास लगभग जीरो के बराबर होता है, तो न्यूट्रिनो इसका सही उत्तर आएगा। अब स्टूडेंट आप इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या कारण है? तो देखिए स्टूडेंट, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इसमें देखिए मेन जो है दो गैसेस यहाँ पर यूज़ होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। तो दो गैसें यहाँ पर यूज़ होती हैं स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ध्यान रखिएगा। या आपका जो वाटर वेपर होते हैं, जो जलवाष्प होते हैं, वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण होंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा स्टूडेंट। अब इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन का किसी पदार्थ में जुड़ना, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन बाय एनी सब्सटेंसेस, यानी किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी पदार्थ में जब हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, अपचयन यानी आपका रिडक्शन, हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजनीकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन आएगा बी, इसका ऑप्शन आएगा स्टूडेंट बी आएगा, हाइड्रो, यहाँ पर जब आप क्या करते हैं हाइड्रोजन को एडिशन करते हैं तो उस प्रक्रिया को आप रिडक्शन कहते हैं या अपचयन कहते हैं, और अगर आप ऑक्सीजन को रिमूव भी करते हैं अभिक्रिया से तो उसे भी आप क्या कहते हैं, रिडक्शन ही अभिक्रिया कहते हैं। और ऑक्सीजन का ऐड होना किसी भी पदार्थ में ऑक्सीकरण कहलाता है, जिसे आप उपचयन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन का ऐड होना किसी भी सब्सटेंस में वो कहलाएगा रिडक्शन। आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया की दर का क्या मात्रक होता है स्टूडेंट? अभिक्रिया की दर का देखिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका यहाँ पर होता है मोलरता बट्टे समय, रेट यानी रेट जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे समय आ जाता है दर। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए मोलरता जो होती है आपकी, मोलरता जिसे आप मोलैरिटी कहते हैं, मोलरता, या आई हो मेरे को लगता है कि आपने 10वीं में नहीं पढ़ा होगा, 11वीं में है, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं देखिए।
तो वो भी हम आपको कराएंगे। तो मोलरता आपकी होती है मोल पर लीटर, और बट्टे में अगर आप इसके समय कर दें तो ये अभिक्रिया की दर बन जाती है। मोलर इसको आप टाइम लिख लें इंग्लिश मीडियम वाले, और मोलरता को मोलैरिटी। तो मोलैरिटी अपॉन में टाइम जो होगा यहाँ पर सेकंड, तो देखिए क्या आ जाएगी यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये भी क्या है बट्टे में है। तो आंसर क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट देखिए इसका आंसर आएगा बेसिक। कैसा सब्सटेंस होता है, बेसिक सब्सटेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत समय तक नमी में रखने पर जो विरंजक चूर्ण होता है अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर लूजेस इट्स पावर ऑन कीपिंग इट्स मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए जब आप ब्लीचिंग पाउडर को आप क्या करते हैं मॉइस्चर में रखते हैं, यानी वाटर के कॉन्टेक्ट में जब ब्लीचिंग पाउडर आ जाता है, मानिए देखिए ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जब आप इसको H2O के कॉन्टेक्ट में रखेंगे स्टूडेंट, तो जो क्लोरीन गैस है यहाँ पर क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर, और जो क्लोरीन आपकी गैस है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बाहर निकल जाएगी। तो इसका आंसर आएगा कि जब भी ब्लीचिंग पाउडर जो है वो नमी के कॉन्टेक्ट में आता है तो धीरे धीरे जो क्लोरीन गैस होती है वो बाहर निकल जाती है, वो स्टूडेंट बाहर निकल जाती है। तो ध्यान रखिए इसका उत्तर ये आएगा, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रोजन। देखिए जब अधातु, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हिंदी में अलग लिखा हुआ है, इंग्लिश में अलग लिखा हुआ है, जब अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, जब अधातु यानी स्टूडेंट आप देखिए अधातु यहाँ पर लिखा हुआ है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो कौन सा, और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है देखिए व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रोजन, तो इंग्लिश वाला देख लीजिए, जब नॉन मेटल के साथ नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो बनाएंगे नहीं, उभयधर्मी ऑक्साइड और ना ही ये बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे स्टूडेंट, ध्यान रखिए ये आपका बनाएंगे क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है किसी अधातु के साथ नॉन मेटल ही है नाइट्रोजन भी, तो इनमें क्या होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इनमें होगी स्टूडेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कभी देखिए हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन आ जाते हैं अलग अलग, तो आप इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में भी लिखा जाता है, अगर हिंदी में कोई त्रुटि है तो आप अंग्रेजी के जो वर्जन है इसको अपनाएं। तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड सही आंसर आएगा। निम्न में से किस गैस का उपयोग खाद्य सामग्रियों में परिरक्षण के लिए किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू प्रिजर्व फूड, यानी देखिए खाने को देखिए बचाने के लिए ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट से किस गैस का आप यूज़ करते हैं, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन आप यूज़ करते हैं, कौन सी गैस यूज़ करते हैं नाइट्रोजन गैस यूज़ करते हैं, कौन सी गैस यूज़ करते हैं नाइट्रोजन गैस आप यूज़ करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन आएगा सी नाइट्रोजन। आपने पढ़ा होगा कि देखिए जो चिप्स हैं उनको नाइट्रोजन की गैस की थैलियों में बंद करके रखा जाता है जिससे वो ऑक्सीजन की कॉन्टेक्ट में ना आए और ख़राब ना हो, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या आएगा आपका नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। निम्न में से ये देखिए, ये क्वेश्चन हमने देखिए अलग अलग जगह से लिए हैं, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से, कुछ अलग अलग बुक से लिए हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का जो है मिश्र धातु नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलॉय ऑफ एल्युमिनियम, या जिसमें एल्युमिनियम नहीं है, तो अल्निको, देखिए नाम से पता चल रहा है अल्निको यानी एल्युमिनियम निकल और कोबाल्ट, अल्निको यानी एल्युमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट, तो इसमें एल्युमिनियम है, इसमें एल्युमिनियम है आपका, ड्यूरा एल्युमिन इसमें भी एल्युमिनियम के आप देख रहे हैं, मैग्नेलियम इसमें भी एल्युमिनियम है, और जो जर्मन सिल्वर होता है ये बनता है निकल प्लस कॉपर प्लस जिंक से, तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आएगा कि इसमें एल्युमिनियम नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके के मिश्र धातु के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर किन का अलॉय है, इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बारी बारी, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। आप डेली वीडियोस देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें जिससे ज़्यादा से लोग कनेक्ट हों, फिर देखिए वीडियोस देखिए लाइव भी हम प्रीमियर करेंगे, अगर आप देखिए ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट आएंगे तो वीडियो लाइव प्रीमियर होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे स्टूडेंट। इसमें से किस क्या देखिए फॉस्फीन का सूत्र है, फॉस्फीन का सूत्र है फॉर्मूला फॉर फॉस्फीन,
P2O5, PS3, PCl3 या P2। तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा PS3। क्या आएगा स्टूडेंट इसका आंसर? PS3। इसका फॉस्फीन का सूत्र होता है PS3। जंग रोधी इस्पात के संगठक हैं। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्टेनलेस स्टील, देखिए जो घरों में आप स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं वो किस किस चीज़ से बने होते हैं, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते ही आते हैं। आयरन और कार्बन, तो ये तो सामान्यतः स्टील होता है पर स्टेनलेस स्टील नहीं होता। आयरन प्लस निकल, ये भी नहीं आएगा। आयरन प्लस निकल प्लस कार्बन, ये भी नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा आयरन निकल, इसमें प्लस कार्बन भी आएगा क्योंकि आयरन प्लस कार्बन से ही स्टील बनता है, प्लस निकल और क्रोमियम। देखिए स्टेनलेस स्टील जहाँ पर आए वहाँ पर क्रोमियम जरूर आता है क्योंकि क्रोमियम के कारण ही देखिए जंग रोधी हो पाता है। अगर आप किसी भी देखिए मेटल में क्रोमियम की कोटिंग करते हैं, क्रोमाइज उसके देखिए आप बोलते हैं क्रोमीकरण, उस विधि को बोलते हैं। तो देखिए क्रोमर यहाँ पर इंग्लिश में भी इसको देखिए क्रोमाइजिंग बोलते हैं। तो आप स्टील में देखिए क्रोमियम की कोटिंग करते हैं जिससे जंग रोधी बन जाता है स्टील। तो इसका आंसर आएगा बी। धातु के किस गुण के कारण इन्हें हथौड़ों से पीटकर चादर बनाई जाती है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, लस्टर या सोनरस, यानी तन्यता, अधात वर्धता, चमकता या सोनरस। तो इसका ऑप्शन आएगा सीट में बदलते हैं तो मैलेबिलिटी यानी अधात वर्धता इसका सही उत्तर आएगा। देखिए व्हील ऑफ मूविंग साइकिल, चलती हुई साइकिल का पहिया करता है। देखिए जो चलती हुई साइकिल है उसका पहिया क्या करता है यहाँ पर? व्हील ऑफ मूविंग साइकिल कैसे यहाँ पर मोशन करता है स्टूडेंट? तो देखिए अगर आप सिर्फ अगर आप पूरी साइकिल की बात करते, इसमें चलती हुई साइकिल का पहिए की बात की गई है, तो चलती हुई साइकिल का पहिया देखिए आपका क्या करता है? रोटेशनल मोशन करता है। अगर कहते हैं कि साइकिल कैसा मोशन करती है, तो साइकिल ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन करती, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन करती है साइकिल। कार कैसे मोशन करती है? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। पर पहिया बोला है, केवल साइकिल का पहिया, तो वो क्या करता है? घूमता है, रोटेट होता है। तो इसका आंसर आएगा रोटेशनल मोशन। ये ध्यान रखिएगा चलती हुई साइकिल का पहिया, चलती हुई साइकिल का पहिया। देखिए अर्घ किसकी यूनिट होती है? वर्क की, CGS यूनिट होती है कार्य की, ये ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, बायोमास, पेट्रोलियम या इनमें से कोई नहीं? तो स्टूडेंट देखिए कोयला भी आपका एक जीवाश्म ईंधन है और पेट्रोलियम भी, पर बायोमास देखिए कोई भी जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो यहाँ पर बायोमास आएगा। स्टूडेंट देखिए इसी के साथ देखिए ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आज हमने मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो स्टूडेंट आप देखिए वीडियो को देखिए शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के हैं, प्लस अगर आप उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए वीडियो को देखिए शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जिन्होंने पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा है उनको वीडियोस के लिंक आप शेयर कर देंगे, उनको सब्सक्राइब करने के लिए आप चैनल को कहेंगे, क्योंकि देखिए मैक्सिमम हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। इस यहाँ पर वीडियो का जो PDF है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर देखिए प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम चैनल पर देखिए आप त्रिशक्ति अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हैं, त्रिशक्ति और फिर आगे अकेडमी आप लिखेंगे तो वहाँ पर आप जो है हमारे चैनल देखिए सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में हम आपको इसका लिंक दे देंगे, देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप सीधा टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें और वहाँ पर आप नोट्स ले सकते हैं डेली, या जो हमने PDF दी है तो इस PDF के आपको नोट्स देखिए मिल सकते हैं, ये पूरी PDF आपको मिल सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं त्रिशक्ति अकेडमी, आप टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप नोट्स भी ले सकते हैं डेली 100% स्टूडेंट देखिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी अगर आपको है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। हमारा देखिए लक्ष्य एक ही है, 1 से लेकर 500 तक रैंक लेकर आना, 1 से लेकर 500 तक रैंक आपको चाहिए, रैंक आपको चाहिए गुड, आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिले जहाँ की प्लेसमेंट बहुत ही बढ़िया हो, आपको अच्छी देखिए नौकरियाँ मिले उस कॉलेज से। तो देखिए ये फ़र्क पड़ता है रैंक का, अगर आपको अच्छी रैंक आएगी अच्छा कॉलेज मिलेगा अच्छी प्लेसमेंट आपको मिलेंगी, पर अगर आपकी रैंक अगर अच्छी नहीं आती है तो आपको देखिए कॉलेज तो मिल जाएगा, देखिए हज़ारों तक कॉलेज मिलेंगे, हज़ारों यहाँ पर जो इनकी रैंक होंगी उनको कॉलेजेस मिलेंगे, परंतु देखिए अच्छे रैंक के जो स्टूडेंट होंगे अगर आप 1000 तक भी, अगर हम इसको 1000 भी कर दें तो वो भी बहुत अच्छी रैंक है, 1 से लेकर 1000 तक भी देखिए काफ़ी अच्छी रैंक है,
हज़ार 2000 बहुत ही अच्छी रैंक हैं अभी, कोई उसमें भी दिक्कत नहीं है। पर आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, आप डेली पढ़ें, अच्छा पढ़ें, और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।